हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग बिहार एसआई फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम हुआ उसके पेपर का। हम लोग यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं, उसके आंसर की को देखने वाले हैं। टोटल 98 प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने शिफ्ट टू का डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और उसपे हम लोग 99 प्रश्नों का किया है, वो भी इरर फ्री हमने किया है। एक दो प्रश्न थे जो आपका डाउटफुल प्रश्न थे, तो मैंने बताया था कि प्रश्न डाउटफुल है। ओके, तो आज 98 प्रश्न करेंगे, इसमें भी एक दो प्रश्न डाउटफुल हो सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले उनका यह है कि वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ओके, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे 98 प्रश्न करेंगे और टोटल इरर फ्री रहेगा। जितने भी आप चैनल पे वीडियो, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा अभी आंसर की रिगार्डिंग, उससे बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग फर्स्ट जो सेकंड शिफ्ट में हमने अच्छा तरीके से सॉल्व किया वहां पे, तो ये भी उसी तरह से हमारा फर्स्ट शिफ्ट भी सॉल्व होगा। आप इसको कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। ओके, और आपका कितना मार्क्स आया वो भी आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनार है जो का फुल फॉर्म पूछा था, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, सिंपल सवाल। सेकंड नंबर पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, मींस कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी व्यवस्थाएं देना, ये पूरा का उद्देश्य है। सेवेंथ फाइव ईयर प्लान था, उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थे, तो वो सारे थे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, औद्योगिक विकास करना है, सर्विस सेक्टर जो भी रोजगार है सारे पैदा करना, ऑल ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ द सेवेंथ फाइव ईयर प्लान। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी से क्या आपको सरदार स्वर्ण से समिति, बहुत सिंपल है। दाई दीदी क्लिनिक है, ये भाई छत्तीसगढ़ का है, बहुत सिंपल। सांची स्तूप आपको अशोका ने बनवाया। जो भी आप कलर देखेंगे, जो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होगा कोई भी थिन ऑयल फिल्म से, तो वो उसका कारण है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ये रीजनिंग बहुत सिंपल आप देख सकते हैं, तीन है दो पांच बढ़ा, फिर तीन आठ बढ़ गया, फिर आप देखते हैं आठ चार बारह, चार बारह आप पांच बढ़ेगा, बारह पांच सत्रह होना चाहिए, तो सत्रह वाला जो है वो होगा। ये तो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी देख सकते हैं आपका माइनस तीन होते जा रहा है, तो क्यों माइनस तीन करेंगे, तो आपका N17N इज द राइट आंसर। ओके, कह रहा कि ग्रुप का एग्जाम्पल कौन है, देखिए ग्रुप, देखिए पैसेंजर वेटिंग एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पैसेंजर वेट कर रहे हैं, तो वो ग्रुप का उदाहरण है, वो एक भीड़ का उदाहरण, एग्रीग्रेट का उदाहरण है। सिनेमा ये भी एग्रीग्रेट का उदाहरण, ऑडियंस एट कंसर्ट, ये सारे एग्रीग्रेट का उदाहरण, एक क्वासिक ग्रुप का उदाहरण बोल सकते हैं। लेकिन ग्रुप का उदाहरण जो है मेंबर ऑफ द फैमिली, ग्रुप से सवाल आया, सोशियोलॉजी का सवाल है, और ये हमारा शिफ्ट टू में पूछा है, शिफ्ट वन में भी पूछा है। ओके, अकॉर्डिंग टू दुर्खेम मॉडर्न, दुर्खेम के मतलब अकॉर्डिंग मॉडर्न सोसाइटी कैसे करेक्टराइज किया गया, तो मॉडर्न सोसाइटी जो किया गया है वो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी से किया गया, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी से किया गया। बहुत सारे चैनल पे आपको उसका आंसर आपको मैकेनिकल बता रहा, तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर होगा हमेशा ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, ध्यान रखिएगा यही उत्तर होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पूर्वी चंदेला जो है ये संबंधित है शूटिंग से। कंट्री का दूसरा जो स्पेस पोर्ट बनने वाला है सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, वो आपका तमिलनाडु में बनने वाला है। और किचोप का करेंट ला है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे करता है, और वही अगर हम बात करें वोल्टेज ला है तो एनर्जी पे, ठीक है। अगर आपको अगर आपको पूछेगा करेंट ला तो चार्ज बोलना है, और जब आपको वोल्टेज पूछेगा तो एनर्जी बोलना है, ठीक है। तो चार्ज और एनर्जी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे, ठीक है। 24वां ओलंपिक, 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा, 33rd का ओलंपिक होगा, और 2024 में होने वाला है पेरिस में। ओडोमीटर देखते होंगे, जो भी गाड़ी में जो लगा रहता है मीटर, वो ओडोमीटर है, डिस्टेंस नापता है। नोबेल प्राइज जो मिला है आपका लिटरेचर में अब्दुल रजा गुरनाह को मिला है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में आपका शांति से पूछा था। जिरकोन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो लॉन्च किया गया रशिया के द्वारा सबमरीन की हेल्प से, पनडुब्बी की हेल्प से, ठीक है। रामसर समझौता आपको पता है ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 में, ये वेटलैंड के संरक्षण के लिए। मेन फंक्शन बताइए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, तो वह जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, जितने भी जांच अभिकरण हैं, उन पर निगरानी रखना ही इनका मेन मकसद मतलब काम है, फंक्शन है। करा कि स्वयं पोर्टल शिक्षा संबंधित, बहुत सिंपल। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया भैया अमेजन ने, बहुत सिंपल। वाटरमैन ऑफ इंडिया से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। वायसराय कौन था जब क्यूट इंडिया मूवमेंट हुआ, 1942 में थे लॉर्ड लिथलिंगो। शुगर जो मिल्क में मिलता है, प्रेजेंट होता है, वो होता है लैक्टोज। दुनिया का सबसे ऊंचा में जो हर्बल पार्क बना, आपको पता होना चाहिए कि आपका उत्तराखंड के उत्तराखंड के आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन, देखिए जो भी पॉइंट, देखिए ये सारे आपके इकोनॉमिक से सवाल है, तो कह रहा है कि पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पोटेंशियल के अंदर अगर चीजें होंगी तो वो फिजिबल भी होगा और इफिशियंट भी होगा, ठीक है। फिजिबल भी होगा, इफिशियंट। देखिए ये जो होता है ना प्रोडक्शन पोटेंशियल जो होता है, ये दो तरह के
फर्म का यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंपैरिजन क्या आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कटरा एंड वंस, कटरा एंड जब भी आपके जल जाए ऐसा और ये मतलब हाथ हुआ ठीक है कुछ भी, तो उसमें जो बैक्टीरिया जो होंगे वो बैक्टीरिया किस तरह के बैक्टीरिया उससे पनप सकते हैं, वो है स्टैफिलोकोकी, ठीक है स्टैफिलोकोकी, इस बात को ध्यान रखें। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, हिटोपिया के लेखक थॉमस मूरे हैं, ये बहुत सिंपल सवाल। सवाल नंबर 30 कहता है चेंगमेंग जो टेबल टेनिस संबंधित है भाई, टेबल टेनिस संबंधित है चेंगमेंग, ओके। और है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए, इंटरकास्ट मैरिज के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वाड में आपके चार कंट्री देखने को मिलेंगे, यूएस जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन वाले जितने भी हैं वो। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है भैया वो आपका यहाँ पे देहरादून में देखने को मिलेगा। सबसे जबरदस्त जल्दी से आपको फ्रीज करना है कोई भी चीज को, जमाना हीमीकरण करना है, देन आप यूज करेंगे तरल नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसको बोलते हैं स्प्रे फ्रीजिंग, ओके। सबसे स्पीड होता है इसमें। कटी बिहू फेस्टिवल आपका आसाम का है। स्पोर्ट अवार्ड जितने भी मिलते हैं वो सारे दिया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के द्वारा। अफीम बार जो पहला खत्म हुआ था आपका, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, नानकिंग की संधि से। जितने सबसे ज्यादा मोस्ट जो आपका एबंडेंट एंटीबॉडीज जो हैं, जितने एलर्जीज की दवा बनते हैं उनमें जो एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया था, दैट इज आईजीई, आईजीई। ह्यूमन बिहेवियर बताइए, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन को पढ़ता मतलब समझता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो सोशियोलॉजी, सूक्ष्म समाज शास्त्र बोलते हैं। कुतुब मीनार की जो इंट्रेंस गेट उसको बोलते हैं अलाई दरवाजा। कह रहा है कि जब समर सीजन में वर्षा होती है उन क्षेत्रों में उसको बोलते हैं आम वर्षा, ये बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये वर्षा जो है कहाँ पे होती है, बेसिकली केरला में। फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मतलब जो टेक्सटाइल मिल होता है जो सोलर से पूरा मतलब कहने का मतलब कि पावर चल रही है, वो है परभनी महाराष्ट्र में। अभी तक परमवीर चक्र जो अवार्ड मिला भैया वो मिला है 21 निसार जो प्रोजेक्ट है इसरो और नासा का, ओके। सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया के द्वारा स्टार्ट किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। सप्त क्रांति इक्वलिटी को करने, वीमेन्स और मेन्स के बीच में इक्वलिटीज हैं उनके लिए राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति शुरुआत की गई थी। बैडमिंटन सबसे पहली बार जो एशियन गेम में इंक्लूड किया गया वो ध्यान रखिएगा कि 1962 में, ओके ध्यान रखिएगा 1962 इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज हो जाएगा। जो भी डिस्कस जो फेंकते हैं आप देखते हैं ये इस तरह से बना होता है डिस्कस जो फेंकता है उसका लंबा उसका जब वेट की बात करें तो 2 kg होता है मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 kg होता है, ओके। परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे ये दिख रहा है 93 का, ये तो होगा ही, लास्ट में 1 हो तो परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पे, सॉरी ध्यान दीजिएगा 8649 इज द राइट आंसर, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके। अब ध्यान दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च FIT इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। FIT इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया वो किया गया है खेलकूद मंत्रालय के द्वारा, स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। गंधारा आर्ट आपका कुषाण टाइम में फेमस हुआ और ये एक मिश्रण है इंडियन एंड ग्रीक आर्ट का। चाय के अगर उत्पादन में बात करेंगे अभी लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग तो वेस्ट बंगाल टॉप पे चल रहा है, सेकंड पे आसाम चल रहा है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर अगर लेटेस्ट डाटा साथ पूछा है तो। साइटोप्लाज्मा बताइए, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर साइटोप्लाज्मा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कितने एस का है ये बताना है, इनका एक वर्जन है तो वो उत्तर होगा देखिए जितने भी यूरोक्रेटिक्स हैं उसमें 80 एस होगा, तो 80 एस हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, 70 माइटोकॉन्ड्रिया में और राइबोसोम में 70 एस हो जाएगा। जब ये देखिए राइस वाटर जैसे चावल बन जाता है उसके बाद जो वाटर अब निकालते हैं चावल बनने के बाद देखते होंगे बेसिकली, अभी तो कुकर में खाना बनता है तो वहां पर नहीं निकलता, तो ये जो राइस वाटर होता है इसमें अगर आप डालते हैं आयोडीन तो आयोडीन ब्लूइश कलर का होता है, किसके कारण, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। मिनी माता डिज क्यों होता है भैया, तो मरकरी के कारण होता है, मरकरी का ज्यादा हो जाएगा। तो प्रॉमिस लैंड जो बुक है ये बुक है ब्रॉक ओबामा का, उरुंदेई स्कीम है ये जो असम का स्कीम है। इंडिया का रैंक एरिया वाइज अगर बात करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है, ओके। और जनसंख्या बात करेंगे तो आपको कमेंट कर बताना है। बेबर के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल पावर जो आता है, जो पारंपरिक सत्ता का जो स्रोत है वो है प्रैक्टिस, जितने भी आपके समाज के अंदर प्रथाएं हैं, समाज के अंदर जो भी, जैसे आप देखते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, पितृत्वात्मक समाज है तो आपको जो मेल्स होंगे उनके पास ज्यादा पावर होगा, तो ये सारे प्रथाएं से उनके पास पावर आती है। बेबर ने 3 तरह के पावर बताया है, मैंने तीनों आपको नीचे सोल्यूशन में लगाया देख लीजिएगा। तो बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, वो उत्तर नहीं होगा, प्रैक्टिस ही सवाल का उत्तर होगा, प्रैक्टिस होगा, नॉर्म्स होगा, लॉ, ठीक है, ये सारे सवाल का उत्तर होगा प्रैक्टिस, ओके ध्यान रखिएगा। बाद इतना जीरो आवर, जीरो आवर क्या होता है, जैसे ही आपका प्रश्न काल खत्म हुआ तो 12 बजे जो स्टार्ट होता है वो जीरो आवर स्टार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रश्न काल के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये सवाल, सॉरी प्रश्न काल
और जो आगे आने वाले जो मीटिंग्स जो भी एजेंडा होंगे उनके बीच वाले समय को ही बोलते हैं हम लोग जीरो आप शून्यकाल बोलते हैं। बेसिकली शून्यकाल की बात करें इसमें ऐसे जो मेंबर्स हैं वो भी कोई भी सवाल को उठा सकते हैं बिना परमिशन के सवाल को उठाते हैं, इसके लिए पहले से परमिशन लेना नहीं पड़ता है, दैट इज नोन एज जीरो आवर्स। ये बहुत सिंपल सवाल, इसका उत्तर 9:50 होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, रीजनिंग का सवाल है या बोल सकते हैं मैथ का सवाल है। इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करें सीमित साधनों का, सोसाइटी कैसे मैनेज करेगी उसके लिमिटेड रिसोर्स को, वही कहलाता है आपके पास 100 रुपया है आप 100 रुपया कैसे चलाएंगे, यही आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। फिलिप स्ट्रैट एक इंग्लिश मैन था जिसको दोषी किया गया था, उसको सजा दिया गया था, वो मेरठ षड्यंत्र में, ठीक है। इंपैक्स इंडेक्स से ये संबंधित है माइग्रेशन पॉलिसी से, प्रवास से संबंधित है, प्रवासी से संबंधित है इंपैक्स इंडेक्स। वर्ल्ड कैंसर दिवस पूछेगा तो 4 फरवरी बताइएगा, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर दिवस पूछेगा तो आपका 4 फरवरी सवाल का उत्तर होगा। सवाल नंबर कहता है कि भैया दोहरी एक का सेंसस है, 2011 का देना चाहिए लेकिन दिया है 2001 के सेंसस अकॉर्डिंग जनगणना, तो भारत की जनसंख्या क्या थी, तो वो 1029 मिलियन जनसंख्या थी, ओके 1029 मिलियन जनसंख्या थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। गंगाईकोंड चोलपुरम है इसकी जो स्थापना किया है, वो स्थापना किया है राजेंद्र प्रथम ने, इसको अगर आप गुना करते हैं 642 × 7 से अगर आप गुना करेंगे तो बहुत ही ये बहुत ही सिंपल, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका उत्तर होगा 4497.8, ठीक, इस बात को आपको। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 55 एंड 555, मतलब 555 के बीच में कितनी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल हो जाएगी, और साथ में इन दोनों को भी लेना है, तो देखिए इसको आप माइनस करके बटा आप अगर भाग देते हैं 5 से तो 100 आएगा, फिर +1 करेंगे तो इस सवाल का उत्तर 101 हो जाएगा। कह रहा है कि जो ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश जारी करता है प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 123 के तहत, और गवर्नर पूछा था 213 के तहत, ओके। कार्ल मार्क्स का द्वारा लिखा गया बुक है कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, कंसेप्ट ऑफ जो क्लास स्ट्रगल्स है ये इनका ही है, कार्ल मार्क्स का, ओके। ये देखिए सवाल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सवाल है कि जब इन न्यूक्लियर डिके होगा तो क्या निकलेगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो बीटा अल्फा गामा भी इस सवाल का उत्तर होगा, 100% सही होगा, ध्यान दीजिएगा, तो बीटा अल्फा गामा जिनका आंसर है उनका आंसर सही है। व्हाट इज कॉल्ड वेन एसोसिएशन, देखिए जब भी दो तरह के अगर किसी तरह का संघ बने जिसमें एक जो प्रजाति है उसको फायदा हो और दूसरे प्रजाति को फायदा ना हो, तो दूसरे प्रजाति को फायदा भी ना हो ना ही उसको घाटा भी हो, किसी तरह की चीज नहीं, केवल एक प्रजाति को फायदा मिले, इस तरह के बोलते हैं सहभोजिता कमेंसलिज्म, क्या बोलते हैं कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म बोलते हैं। फेडरल कोर्ट कब स्थापित किया गया भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन जो आपका जो एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, इस बात को ध्यान, 75 नंबर सवाल का जो उत्तर होगा हमारा होगा ये होगा 1974 में, कब हुआ था 1974 में हुआ था ये, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ऑफ जहांगीर, देखिए जहांगीर का पेंटर है उसको उसने नादिर उल असरा का उपाधि दिया, वो पेंटर है उस्ताद मंसूर है, ये देखिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि एकदम मतलब आपने देखा भी नहीं होगा, हुमुलियम का बिक्री मतलब सेलिंग करना स्टार्ट किया था 1983 में किस कंपनी, कोई सवाल है कोई भी, तो ये तो कुछ भी पूछ दिया है, ये होगा इली लिली, क्या होगा इली लिली कंपनी ने। अशोका चक्र जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो इंट्रोड्यूस हुआ ध्यान रखिएगा 78 का, उत्तर होगा 1952, ओके। कास्ट सिस्टम इंडिया का जो है जातीय जो प्रथा इंडिया में है वो उसका क्या एक लक्षण इसमें आपको नहीं दिख रहा, तो जन्म सिंधिया ये सही उसका लक्षण है भाई। अंतर विवाह होते इंडोगैमस एक ही मतलब कहने का मतलब कास्ट में शादी माना जाता है करना, तो ये सही है, लेकिन एक्सोगैमस होगा नहीं, जाति के बाहर शादी नहीं होता है ये, तो ये इसका लक्षण नहीं है, बाकी सारे आपको देखे उत्तर सही होगा, तो ये हमारा सवाल का उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन, फूड चेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका होगा, देखिए एक होते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर होते हैं, एक होता है डिकम्पोजर, डिकम्पोजर सबसे जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो उन्हीं का होगा ना, तो डिकम्पोजर इज द राइट आंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करता है, मित्र प्रगमचाचार बहुत सिंपल है, गुजरात झारखंड एंड त्रिपुरा इज द राइट आंसर। फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग, देखिए छोटे जो भी स्मॉल और मीडियम जितने मतलब कहने का मतलब मध्यम उद्यम है उनको विकसित करने के लिए ऋण दिया जाता है, उनको क्रेडिट दिया था, उनको इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर किया था किनके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिशन आते हैं, उन मिशन के द्वारा इन प्राइवेट जो फर्म्स हैं इनको कहीं ना कहीं स्पॉन्सर किया जाता, तो इस सवाल का उत्तर मिशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। कह रहा है कि भैया 83 का बताना है कि 10 लोग अगर हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, ओके एक बार तो कितने हाथ मिलेंगे, तो 45 मिलेगा, n(n-1)/2 हो जाएगा ये राइट आंसर, ठीक है। फजल अली कमीशन तो आपको पता है कि राज्य के पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है। एलिमेंट जो सोलर सेल में इस्तेमाल होता है वो है सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोलर सेल में, और सबसे अगर उत्तरी पॉइंट उत्तरी बिंदु पूछेगा भारत का तो है इंदिरा कॉल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल इज द राइट आंसर।
42वां संविधान संशोधन होता है तो कुछ लिस्ट हैं जो आपके राज्य सूची से संबंधित सूची में भेज दिए गए, वो लिस्ट कौन से नहीं इसमें बताना है। एजुकेशन भेजा गया था, फॉरेस्ट भेजा गया था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड भेजा गया था, प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड भी भेजा गया था, ठीक है, सारे भेजे गए थे लेकिन आपका लोकल गवर्नमेंट नहीं था, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंट्रोल रॉड का। ओके, कुकिंग मेथड जो इडली बनाते हैं, उस इडली जो बनता है जिस मेथड को क्या बोलते हैं, स्टीमिंग बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए खाना बनाने की विधि पूछा जा रहा है, होम साइंस सवाल पूछा जा रहा है। इंडिया एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड, एक ही है इंडिया का वायरन आइलैंड है। जो जितने फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं, न्यून ट्यूब्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें प्लाज्मा होते हैं, क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। इसेंशियल इम्यून एसिड की बात करेंगे तो 9 ही है और इसमें उत्तर होगा हमारा ल्यूसाइन इज द राइट आंसर। इसमें आपका ऑप्शन में दिख रहा है ल्यूसाइन, 9 इसेंशियल इम्यून एसिड है। मराठा रूरल छत्रपति शिवाजी का राजधानी कहां है भैया, तो रायगढ़ है, ठीक है। ये एक प्रोपेलन टैंक बनाया गया है C-32 LH2 करके, इसको डेवलप किया इसरो के लिए और डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने। एंकर शब्द का इस्तेमाल कहां पे करते हैं ये बताना आपको, देखिए एंकर शब्द का इस्तेमाल होता है रिले रेस में। ओके, आगे चलेंगे। हु वाज द फॉलोइंग अवार्डेड बाय द ज्ञानपीठ, देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी लिटरेचर में जो मिला था वो मिला था कृष्णा सोपती को। बहुत ही पुराना सवाल है ये, करेंट अफेयर आप नहीं बोल सकते, कृष्णा सोपती इज द राइट आंसर। ये सवाल बहुत सिंपल है, ये रीजनिंग है, सबका क्यू करके एक माइनस करना सब। देखिए यहाँ पे जीरो का क्यूब है, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक का क्यूब है, यहाँ पे दो का क्यूब है, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, छह का क्यूब, सात है, सबका क्यूब करके एक माइनस किया है, यहाँ पे आठ का क्यूब, तो सात का क्यूब करें 343 में से एक जाएगा 342 इज द राइट आंसर। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक है अभिजीत गुप्ता। 98 सवालों को हमने बहुत जल्दी कर लिया। ओके, और ध्यान रखिएगा कि 98 सवाल हमने जितना भी किया सारे सवाल का आंसर एकदम करेक्ट है। आज एक भी सवाल यहाँ पर नहीं था कि जो कि आपका सवाल इरर था और कोई भी सवाल डाउटफुल भी नहीं था, तो 98 सवाल हमने सही किया। दो सवाल छूट गए, मिसिंग है, कमेंट कर बताइएगा दो सवालों कौन से छूट गए हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं कवर कर पाया मैं। ओके, और जिन दोनों वीडियो को आपको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपको बीपीएससी के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, यही आपको सारी चीज मिलेगा बीपीएससी के लिए। आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट आप देख लीजिए, एक भी वीडियो उठा के सारे आपको क्वालिटी कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत आने वाले इन फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।